हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन कैसे चलाते हैं। जैसे देखिए, मैंने जब इसे पहली बार ऑन किया तो ऐसा एक डिस्प्ले ऑन होगा। इसके बाद अगर मैं इसको ऑन करूंगा, देखिए ये स्टार्ट बटन है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई बर्तन नहीं डालेंगे तो ये इस तरह का आवाज़ देते रहेगा। अगर मैं इसको पाउच कर दिया तो ये रुक जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब रुकने के बाद इसमें कूलिंग का सिस्टम होता है। कूलिंग के सिस्टम से क्या होगा, इस पूरे जो ये बेस है उसको ये ठंडा करता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि मैंने इसे ऑन किया तो इससे हम इसके वाट को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये हो गया, ये टाइमर दिया हुआ है कि आप कितना टाइम तक इसको रखना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, 30 मिनट तक है। अगर हम इसको कम करेंगे तो ये टाइम कम होते रहेगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि ये मिल्क, कि मैं अगर मैं मिल्क को ऑन करूँगा तो वो 15 मिनट के लिए जलेगा। ये जो है डीप फ्राई है। डीप फ्राई का मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक फ्राई करेंगे, ये 60 मिनट तक रहता है। ये देखिए, इडली भी 60 मिनट तक है। ये करी के लिए 45 मिनट है। डोसा रोटी के लिए 120 मिनट है। और ये मैनुअल है। मैनुअल में आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, सिर्फ वाट का। देखिए, मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, घटा रहा हूँ तो घट रहा है। ऐसे ही मैनुअली आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। थैंक यू।